हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। में बात सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने अपनी सरकार के 100 दिन के पूरे होने के बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें 100 दिन की सरकार का लेखा जोखा पेश किया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 100 दिन में उन्होंने 101 काम किए हैं और उनके काम करने की गति शुरू से ही तेज रही थी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वो हमेशा से गुड गवर्नेंस के रूप पर चल रहे हैं। विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष हमेशा गैर जरूरी बातें करता है जिसके जवाब देना जरूरी नहीं है। सीएम ने बताया कि साल 2020 को वो सुशासन वर्ष के रूप में मनाएंगे। उधर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बजट से पहले प्री बजट मीटिंग होगी जिसमें विपक्ष की राय भी ली जाएगी। सीएम ने कहा कि अब हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि उनका लक्ष्य प्रदेश को लाल डोरा मुक्त करना है। तो सीएम मनोहर लाल की कुछ खास बातें रही जिसमें उन्होंने कहा कि 100 दिन में 101 काम किए गए हैं, गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया गया है, हाईकोर्ट में हिंदी में काम शुरू किया गया, साल 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और पूरे प्रदेश को लाल डोरा से वो मुक्त करेंगे, हर विधायक को विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बजट की भी बात की कि बजट से पहले प्री बजट मीटिंग होगी जिसमें सभी विधायकों से प्री बजट पर मंथन किया जाएगा। हम लगातार काम करते हैं। पहली बार सरकार जब हमने संभाली थी तो उस समय मैंने खुले रूप से घोषणा की थी कि जब भी कोई पार्टी पहली बार सरकार में आती है या कोई मुख्यमंत्री पहली बार बनता है तो उसके पास काम करने के लिए 3 साल होते हैं, लेकिन यदि वही पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार में आ जाए और मुख्यमंत्री भी लगातार दूसरी बार आ जाए तो उसके पास फिर 5 साल पूरे होते हैं पहले दिन से और 5 साल के आखिर तक। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमने अपने इन 5 सालों की तैयारी दूसरी टर्म में आने से पहले ही कर ली थी शुरू, इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमको 5.5 साल काम करने का मौका मिलेगा। तो उस प्रकार हमने पहले दिन से ही काम करने शुरू किए थे और वो सब काम अगर मैं कहूं कि 100 दिन में टोटल हमने 101 काम कर लिए हैं तो आपको एक एक के बारे में शायद सबके बारे में जानकारी देना तो समय नहीं है, संभव नहीं है, फिर भी आपको लिखित वो सारी जानकारी दी जाएगी। कुछ प्रमुख कामों के बारे में आपको इस ये जो पीपीटी एक बनाई है इसके माध्यम से बीच बीच में कुछ जानकारी मैं देता रहूंगा और सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। पहला विषय तो जैसा 25 दिसंबर 2019 को एक घोषणा की थी कि अब अगला वर्ष 2020 का इसको हम सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाएंगे ताकि सुशासन हमारी एक कोर आइडिया जिसको कहना चाहिए है कि हम बजाय व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की समस्याओं को हल करें, हर डिपार्टमेंट अपनी एक व्यवस्था के माध्यम से और गुड गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा करेंगे जैसा हमने पहले 5 साल किया उसी प्रकार अब भी लगातार कर रहे हैं और ये वर्ष हमारे सब ऐसे कामों को और गति देगा जिसमें हम गुड गवर्नेंस का पूरा वर्ष हम काम कर सकें। एक नया प्रयोग विधानसभा के सत्र में मैंने घोषणा की थी कि सभी विधायकों से भी प्री बजट कंसल्टेशन ये हम 3 दिन करेंगे ताकि उनका भी मत क्या है सब योजनाओं के बारे में, विभागों के बारे में जो भी कोई बात नए आएगी उसको हम यथासंभव सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। जो है वो अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका होना ही अनिवार्य नहीं था, हमने लाल डोरा की सीमा को समाप्त करके सभी ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको और रेवेन्यू में डिपार्टमेंट ला करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना और गांव के जो लोग हैं उनको मालिक बनाना, यानी पहली बार की रजिस्ट्री है वो गांव के जो पंचायत है पंचायत की ओर से उन किसानों को मालिकाना हक दिया जाएगा और रजिस्ट्रियां करा देंगे। शराब की बिक्री उन गांव में हम नहीं करेंगे जहां 10% वहां का जो मतदाता है वो इस बात के लिए ग्राम सभा का हमको लिख के देगा कि हमारे गांव में ठिकाना खोला जाए। तो नशा मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमने ये जो बात कही थी इसको हमने पूरा किया है। 872 प्रस्ताव हमको और 872 यानी कुल गांव का लगभग 13% बनता है तो 13% गांव में हम इस प्रस्ताव पारित होने के बाद इस बार ये लागू कर रहे हैं।